करनाल के घरौंडा के टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारी वेतन न मिलने को लेकर उखड़ गए हैं। कर्मचारियों ने आज एकजुटता दिखाते हुए अपनी वेतन दिलवाने की मांग को लेकर करनाल के लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि घरौंडा के टोल प्लाजा NH1 पर कार्य करने वाले 250 के करीब टोल कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर करनाल के लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार राज बख्श को ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर टोल कर्मचारियों ने कहा कि पिछले कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिल रहा, जिसके कारण उनके बाल बच्चे भूखे मरने की कगार पर आ चुके हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा कि उनका वेतन जल्द से जल्द रिलीज करवाया जाए, ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। वही ज्ञापन देने के उपरांत तहसीलदार राजबख्श ने बताया कि उन्होंने टोल प्लाजा के उच्च अधिकारियों से बातचीत की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों का वेतन रिलीज कर दिया जाएगा। यहां हम आपको बता दें कि पिछले काफी अरसे से टोल प्लाजा पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको पिछले 2 या 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, जिसके कारण आज रोष व्यक्त करने के लिए सभी कर्मचारी करनाल के लघु सचिवालय पहुंचे एवं रोष प्रदर्शन किया। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें वेतन नहीं मिला तो वह आने वाले समय में टोल प्लाजा के मुख्य कार्यालय अंबाला में अर्ध नग्न अवस्था में प्रदर्शन करेंगे और संघर्ष को और ज्यादा तेज करेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने कोरोना काल में भी टोल प्लाजा पर कार्य किया एवं लोगों की सेवा की, परंतु उनकी मेहनत को देखते हुए उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे सभी कर्मचारी परेशानी की हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार राजबख्श ने टोल प्लाजा के उच्च अधिकारियों से बातचीत कर इस मामले का जल्द से जल्द हल निकलवाने का आश्वासन दिया है। 10 साल से काम कर रहे हैं टोल टैक्स बस्ताड़ा पे, तो इनको 3 नवंबर-दिसंबर-जनवरी तक तनख्वाह नहीं मिली है, ना इनको इंश्योरेंस जो मिला है कुछ भी है। तो इसके बाद ये गए हाई कोर्ट दिल्ली। ये मेरे लोकल घरौंडा के आसपास के हैं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता इनकी मदद के लिए यहाँ DC साहब के सामने आया हूँ। तो उसके बाद ये आसपास में जो इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उस तनख्वाह की वजह से आज यहाँ पर आए हैं और हाई कोर्ट का कागज साथ में ले रहे हैं। डिस्प्यूट है जी, तनख्वाह राजनीतिकरण से जो मतलब, ये तो पुराने हैं, कोई वो जो ट्रांसपोर्ट महकमा टोल टैक्स, चलो किसानों की जेबंद है, कोई दूसरी कंपनी कोई प्राइवेट आ करके खड़ी करती हूँ वहाँ पर। ये साथ सही पूछा, जिसमें गडकरी जी का कोई आदमी आया है, उसकी वजह से NHO वाले राजनेताओं के गुलाम है, जैसे हमारे अफसर हो जाते हैं, उस वजह से वो टाल मटोल कर रहे हैं। तो उधर से हाईकोर्ट के जज ने यह कह दिया है कि भैया इनका जो लेन देन है, इनकी जो तनख्वाह है वो दी जाए। उस कागज के हिसाब से हम DC मोदी के सामने आए हैं। कितने मिलने हाँ कर रहे हैं, टोली तो बंद है ना जी, और जो लाइटें होती है एम्बुलेंस की होती है, और सड़कों का काम होता है, जैसे भी होता है, और क्या क्या काम इस टाइम क्या क्या काम कर रहे हो आप सर? टोटल है टोल प्लाजा की सिक्योरिटी है, कॉरिडोर है, जो हाईवे पे गाड़ी घूमती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, रिकवरी की जरूरत हो जाए, टोटल जो स्टाफ है हमने सारा काम पे लगा रखा है। और हमारा एक एक आदमी, जितने भी हमारे एम्प्लॉय थे, चाहे गार्ड से लेकर स्वीपर तक, सभी हमारे काम कर रहे हैं। तो वो जिसमें रात की जो लाइटें वगैरह है, सारा कुछ टोटल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, हर आदमी अपनी ड्यूटी पे। हम यहाँ पे है ना DC साहब को अपनी है ना फरियाद लेके आए DC साहब के पास, इनके माध्यम से, ताकि हमारी जो सैलरी है और हमारे जो फंड है, हमारे वेंडर के जो फंड है, वो रिलीज किए जाए। हाँ जी, हमारा ये अपना करनाल में है, शंभू बॉर्डर पे है, और लाडवाला में हमने कोर्ट की शरण ली थी, तो कोर्ट ने 5 तारीख को आदेश दे दिया था NHI को कि भी जो इनकी सैलरी जो फंड है इनके, वो रिलीज किए जाए। लेकिन अभी तक NHI के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वीरेंद्र कुमार जी, वो सिर्फ हाँ हाँ करते आ रहे हैं, 2 दिन में कर देंगे, ये कर देंगे। तो आज तक ये नौबत आ गया कि अब हमारे बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, बच्चे बीमार है, ना क्लेम हो पा रहा है मेडिकल का, घर से पैसे लगाने पड़ रहे हैं, ब्याज पे ठाठा के पैसा लगाना पड़ रहा है। कितने एम्प्लॉई हैं सर? हमारी कंपनी के टोटल 1000 के आसपास एम्प्लॉई है पानीपत से जालंधर, और जिसमें से ये 250-300 यहाँ है, ऐसे ही पार्टीशन है 300-300। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम संजय छोकर है। कुछ कहना चाहेंगे आज ये ज्ञापन देने पहुँचे? हाँ जी, आज कर्मचारी टोल टैक्स वाले यहाँ इकट्ठे हो गए हैं कि इनका कुछ सैलरी का इशू है, तो हमारी टोल टैक्स के उनसे बात हो गई है, तो इनकी सैलरी का समाधान जल्दी से जल्दी कर देंगे, इनको सैलरी मिलेगी। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।